हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्ट एरिया। तो अगर आपका सीपीयू में ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप सीपीयू ऑन करते हो और आपका सीपीयू ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिर से ऑन होता है। अगर आपका सीपीयू का बार बार ऑन ऑफ का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कैसे ठीक करना है आज मैं पूरा बताऊंगा। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आप आसानी से अपने घर पे भी ठीक कर सकते हो। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरा सीपीयू में सेम प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर मैंने पावर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए बोर्ड का ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, इसका मतलब इसका पावर कनेक्ट है। और यहाँ पर मैंने जब सीपीयू का स्विच दे रहा हूँ यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो ये देखिए फैन घूम रहा है, फिर से ये बंद हो गया, फिर से ऑन हुआ और थोड़ी देर बाद फिर से ऑफ हो जाएगा। ये देखना, ये देखिए फिर से ऑफ हो गया। तो अगर आपका सीपीयू में ये प्रॉब्लम आ रहा है बार बार ऑन ऑफ का, तो आपको कैसे ठीक करना है आज मैं पूरा दिखाऊंगा। तो फिर से ये देखना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो गया। तो पहले आपको सभी केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपका जो सीपीयू में आपका एसएमपीएस का पावर कोट है उसको भी डिस्कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर और एक छोटा वाला केबल है, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देना है। इसको भी खोल देना है बोर्ड से। यहाँ पर क्लिप है, साइड में क्लिप में प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक बैटरी है आपका बोर्ड में, तो इसको आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको खोल देना है। खोलने के बाद थोड़ी देर आपको आपका जो डेस्कटॉप का पावर स्विच है उसको प्रेस करके रखना है। यहाँ पर मैं अपना सीपीयू के ऊपर का जो पावर स्विच है उसको प्रेस करके रख रहा हूँ। क्या होता है, अगर आपका सीपीयू में शॉर्ट होगा आपका बोर्ड या फिर एसएमपीएस में, तो ये आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप ऐसे एक बार चेक कर लेना, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो फिर से आपको जो जो केबल आपने डिस्कनेक्ट किया था फिर से आपको उसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं फिर से एसएमपीएस का कोड कनेक्ट कर रहा हूँ और इसका छोटा वाला भी कोड कनेक्ट कर दे रहा हूँ और रैम को भी फिर से मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर फिर आपको सीमोस बैटरी है जो आपने खोला था छोटा, उसको भी लगा देना है। अभी मैं सीपीयू का जो वीजीए कोड है उसको भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ और उसका पावर कोड भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अभी मैं सीपीयू को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए अभी सीपीयू का फैन बंद नहीं हो रहा है। ये अभी इसका डिस्प्ले भी दिखाओ, ये देखिए अभी आपका सीपीयू, ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया, ये देख सकते हो अभी सीपीयू बंद नहीं हो रहा है, अभी पूरा ऑन है और इसका डिस्प्ले भी आ गया। तो अगर आपका सीपीयू में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऐसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो गाइस।